काशी में सरकार, मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज हैं। सीएए को लेकर बीजेपी की जनसभा, स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर में पहुंचेंगे सभी दिग्गज। जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रखा है, नेताओं ने रखा है। बीजेपी के दिग्गज नेता सीएए को लेकर चला रहे हैं जागरूकता अभियान, आम लोगों के बीच में जाकर कानून को लेकर बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, सीएए को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएए को लेकर आप देख सकते हैं, आपसे कुछ देर बाद यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और कई बड़े लीडर जो हैं वो यहां पर मंच पे आपको दिखेंगे। आम जनमानस को जिनको नहीं पता है सीएए क्या है उसके बारे में मंच से संबोधित करते नजर आएंगे कड़ी बड़े लीडर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है कार्यक्रम और कितनी भीड़ आने की संभावना है, क्या है कार्यक्रम। कार्यक्रम यहाँ से सीएए एक वरदान बनकर के आया है। सीएए वो लोग जो कि आज तक न पाकिस्तान के कहला रहे थे न ही हिंदुस्तान के कहला रहे थे, वो बीच में टेंटों में शरणार्थी के तौर पे पड़े थे, तो उनके लिए एक जीवन अमृत एक वरदान की तरह, उसी के लिए आज अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह 7-8 बजे से यहाँ हजारों की संख्या में जो है छात्र और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही आज यहाँ पर स्मृति ईरानी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्रनाथ पांडे जी और भी अन्य वरिष्ठ विधायक सांसद वरिष्ठ लोग रहेंगे। और यहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख लोग जो है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी कार्यक्रम में कई घंटों बाकी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वर्तमान में यहाँ 2 से 3 हजार लोग यहाँ पे हैं और ये 2 से 3 लाख की भीड़ रहेगी। आप मानते हैं क्या आम लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है? जी बेहद जरूरी है। कुछ लोग थे जो भ्रांतियां फैलाएं और, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जनता ने पूरा सहयोग दिया और आज सारा कुछ अंडर कंट्रोल है और बहुत अच्छा चल रहा है और जानकारी तो होनी ही चाहिए देश में क्या चल रहा है। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी मंच से संबोधित करते नजर आएंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली गई है, सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह बीते दिनों सीए को लेकर पूरे देश भर में हंगामा था, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। आरएनटीवी से राजेश श्रीवास्तव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो काशी में सरकार, जनसभा में 16 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में होंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सीएए को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जहां डोर टू डोर बीजेपी अभियान चला रही है, वहीं जनसभाओं के जरिए भी लोगों तक अपनी बात रख रही है। सीएए के बारे में, इस कानून के बारे में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, बीजेपी का कहना है, भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे दूर करने का काम बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में स्मृति ईरानी आज जनसभा को संबोधित करेंगी और साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे। थोड़ी देर में ये सभी दिग्गज मंच साझा करेंगे, मंच पर दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गजों का आज जमावड़ा, सीएए के समर्थन में बीजेपी की रैली। काशी में सरकार, बीजेपी के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा। बस थोड़ी ही देर में मंच सज चुका है, उस मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी। सीएए को लेकर जानकारी, जागरूक करने को लेकर रैलियों का रेला बीजेपी ने लगा रखा है, तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार रखा है, डोर टू डोर भी कैंपेन चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से इस कानून को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएए काशी, ये मंच की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का काशी समर्थन करता है। और दो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी हैं, ये लाइव तस्वीरें, राजू को भी हमारे सहयोगी उनको भी देख रहे थे, वो भी जो इसे कवर कर रहे हैं इस रैली को। तो काशी में दिग्गज दिखेंगे थोड़ी ही देर में, मंच सज चुका है CAA का, काशी समर्थन करता है। बीजेपी ने बार बार ये आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां इस कानून को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, गलत जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी इस मुहिम में लगा दिया कि लोगों को जानकारी दीजिए, रैलियों के जरिए जानकारी, राजू श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं उस मंच के पास, इस रैली को कवर कर रहे हैं। राजू तस्वीर दिखाइएगा, किस तरह का मंच बना है, कितनी भीड़ यहां पर अभी दिखाई दे रही है और कितनी देर में दिग्गज पहुंचेंगे मंच पर? नजर आएंगे और ये मंच जो है वो पूरी तरीके से सजकर तैयार है। CAA को लेकर काशी से एक पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से आम जनमानस तक जागरूकता फैले, इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी कवर कर ली है। और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता समेत आम नागरिक जो CAA के बारे में नहीं जानता वो यहाँ पर आ रहा है। मैं कहना बंद करूंगा पीछे वो तस्वीरें दिखाए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दराज से आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों से आह्वान लोगों ने किया था कि यहाँ पर आए और CAA क्या है उसके बारे में समझें, जाने। खुद सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद यहाँ मंच पर नजर आएंगे, लोगों को जागरूक करते नजर आएंगे। खुद स्मृति ईरानी और बीजेपी के कई बड़े लीडर इस मंच से संबोधन करते नजर आएंगे। जी राजू, जिस तरीके से मंच पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है CAA का काशी समर्थन करता है, डोर टू डोर भी कैंपेन, और बीजेपी का ये आरोप भी था कि विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं, काशी में किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या इस रैली के अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है? देखिए अगर बात करें वाराणसी की तो वाराणसी बीजेपी का गढ़ है, यहाँ आठ विधानसभा या आठों विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि मंच पे भी पूरी तरीके से चुनावी सभा जिस तरीके से होता है उस तरीके से इस मंच को सजाया गया है, चुनावी माहौल जैसे बनता है उस टाइप से ये माहौल बना है जागरूकता के लिए। और बीजेपी कार्यकर्ता आठों विधानसभा, बनारस के आठों विधानसभा में जाकर डोर टू डोर लोगों को CAA क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। यही वजह है कि एक बड़े लीडर के तौर पर यहाँ पर लोग संबोधित करते नजर आएंगे। यही वजह है कि आम इंसान, मैं खतरा मैं कहूंगा बिठाए, आम इंसान यहाँ वो आया हुआ है जो CAA के बारे में नहीं जानता है उसे जागरूक करने का काम बीजेपी के बड़े लीडर करते नजर आएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री खुद पीएम के संसदीय क्षेत्र में जागरूक लोगों को करते नजर आएंगे अब से कुछ देर में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी शुरुआत काशी से कर रही है, काशी से मिलने वाला संदेश जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, यही वजह है कि यहाँ से बीजेपी अपना संदेश देना चाहती है। जी राजू, क्या आपके पास कोई बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता हैं जिनके जरिए वो बता पाए कि वाकई में जो मकसद है उस मकसद में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता कामयाब हो रहे हैं इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाने में, अगर आप बात कर पाए तो किसी से? कुछ हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है। मैं नीचे मंच से उतर के बात करने का, किस तरीके का कार्यक्रम है, कितना कितना जागरूक किया जाएगा लोगों को? आज संविधान में जो संशोधन हुआ है वो नागरिक संशोधन के पास हुआ है, उसके समर्थन में सारा सौ काशी सुराग कवर की और काशी की जनता जो है यहाँ उभर पड़ी।
और हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग इस कार्मिक अधिनियम संशोधन के समर्थन में है और पुरजोर समर्थन करते हैं। कार्मिक संशोधन हम लोग को देश के लोगों को नागरिकता देने के लिए है, न कि छीनने के लिए है। ऐसे घोषणा करने वालों को लोग जवाब देने के लिए आए समझे में। कुछ और भी हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं। हमें जो जन जागरण के जो मंच के माध्यम से पूरे काशी क्षेत्र, पूरी काशी की जनता और पूरे जो हमारे भाजपा के समर्थक के माध्यम से हमें मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो जो हमारे जनता जनादन गुमराह जो लोग कुछ करने के लिए जो उनका षडयंत्र है, तमाम हम तमाम संगठन के द्वारा जो योजनाएं मैंने जनसंपर्क के माध्यम से घर और एक बड़ी सभा के माध्यम से मैं उन लोगों को भ्रम दूर करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुई है और पूरा जनता उमड़ने का पूरा अपना मूड बना चुका है और ये पूरा मैसेज प्रदेश में हमारी कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा। आज बनारस से ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि बनारस दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर की निगाहें काशी में होती हैं। जब भी काशी से कोई संदेश जाता है तो वो पूरी दुनिया में फैलता है। यही वजह है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र से इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर कुछ आम नागरिक भी हैं जो सीए के बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर सुबह से ही एक जागरूकता के लिए यहाँ लोग चले आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं कि ताकि उन्हें जागरूकता मिल सके, वो जान सके कि सीए क्या है और क्या सरकार चाहती है जी, क्या मंशा है सरकार की, सरकार की। राजू अगर बात कर पाए लोगों से, अब तक कितनी जानकारी इस कानून को लेकर लोग रखते हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए आसानी होगी लोगों को समझने में, अगर थोड़ी जानकारी पहले से है और वो जानकारी उनको कहाँ से मिली, किस तरीके से इस कानून के बारे में वो जान रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुनने आए हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और यहाँ आम इंसान हमारे साथ सीनियर है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं क्या बाबू जी सीए के बारे में कितना जानते हैं आप। नागरिकता संशोधन बिल मोदी जी ने जो बताया है ये जो है तो हमारे देश के लिए, हमारे विदेश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बसे हुए भाई बंधुओं के लिए हित का एक बिल आया है। हमें चाहिए कि हम सब लोग मिलकर इस बिल का समर्थन करें। मुद्दतों बाद कितनी पार्टियां आई और गई, सीए के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम अमित शाह और मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए अभिनंदन करते हैं पीएम मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ छात्राएं भी हैं, लोग सुनने आए हैं सीए को समझने। चलिए राजू लोग फिर आएंगे आपके पास हम अपडेट के लिए, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।